वेलकम फ्रेंड्स, मैं कुबेर पाटीदार मेरे चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के वीडियो में देखेंगे असेसमेंट ईयर 2023-24 के लिए ITR हुआ शुरू, इनकम टैक्स फाइनेंशियल ईयर 2022-23 और असेसमेंट ईयर 2023-24 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न ITR फाइल करने के लिए फार्म जारी हो गया है। यहाँ पर सैलराइज एम्प्लॉय के लिए ITR शुरू हो गया है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट द्वारा। CBDT ने फरवरी में फार्म को लेकर नोटिफिकेशन जारी किया था। CBDT यानी सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर 139(1) के तहत है ओरिजिनल रिटर्न और 139(5) के तहत है रिवाइज रिटर्न। अभी 139(4) जो भी लेटेड शुरू नहीं हुआ है वो इसलिए नहीं क्योंकि अभी इसकी ड्यू डेट है 31 जुलाई 2023, इसलिए अभी ये ओरिजिनल रिटर्न प्लस रिवाइज रिटर्न ही यहाँ पर शुरू है। यहाँ पर सेलेक्ट ईयर 2022-23 आफ्टर सेलेक्ट ITR, यानी कि अभी तो ओरिजिनल रिटर्न ही भरना है 139(1) के तहत। अब यहाँ पर आर यू ऑडिटेड, यानी ये टैक्स न्यू रिज्मी या ओल्ड रिज्मी के अकॉर्डिंग जो भी भरना है वो सेलेक्ट आफ्टर, जैसे अपन को ओल्ड रिज्मी के तहत भरना है तो सेलेक्ट ITR 1 और 4 ही अभी जारी हुए हैं, क्योंकि सैलरीज इम्प्लॉय के लिए है तो कंटिन्यूस करते ही यहाँ पर आप ITR आसानी से भर सकते हैं। ITR भरने से पहले 26S रिपोर्ट जरूर चेक करें। यहाँ पर जो वित्तीय वर्ष के दौरान अपन ने सैलरी ली है, जिसका टैक्स अपन ने पेड किया है, तो यहाँ पर वो टैक्स अपना 26AS में शो होना भी जरूरी है। यहाँ पर सेलेक्ट असेसमेंट ईयर 2023-24 और HTML व्यू सेलेक्ट करते ही यहाँ पर वित्तीय वर्ष के दौरान जो टैक्स पेड किया है उसकी डिटेल्स शो हो जाएगी, नेम ऑफ टैक्स डिडक्टर। और अगर एक्स्ट्रा टैक्सेस जो भी सैलरी के अलावा भी, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर 3 क्वार्टर इनके जमा हुए हैं, अभी 4th क्वार्टर जमा नहीं हुआ है जनवरी फरवरी मार्च का, यो पहले 26S जरूर देखें, उसके बाद ही अपना ITR पेड करें, क्योंकि यहाँ पर जो 26S में वित्तीय वर्ष के दौरान जो टैक्स डिडक्ट हुआ है वो पूरी पूरी डिटेल यहाँ पर आ जानी चाहिए, उसके बाद ही अपन ITR भर सकते हैं। तो यहाँ पर पहले ये चेक जरूर करें। मैंने फॉर एग्जाम्पल ही ये वीडियो शेयर किया है और यहाँ पर ही जो एक्स्ट्रा इनकम का टैक्स है वो यहाँ पर अगर कहीं लगा हो तो भी 26S में शो कर देगा। जैसे ये बैंक सेविंग का टैक्स है तो यहाँ पर 3,258 रुपये जो लगा है, और ये सैलरी जहाँ पर से इनकी सैलरी उठ रही है वहाँ पर का टैक्स जो डिडक्ट हुआ है, और दिसंबर तक की 3 क्वार्टर भी हो गई है तो 3 क्वार्टर का टैक्स यहाँ पर जमा है, 4th क्वार्टर की अभी बाकी है टैक्स। तो पूरा 26S में टैक्स शो होने के बाद ही ITR आप यहाँ से सेलेक्ट आफ्टर भर सकते हैं। तो यदि दोस्तों इनकम टैक्स रिटर्न संबंधी करंट जानकारी जो मैंने इस वीडियो के माध्यम से शेयर की है दोस्तों जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक एवं शेयर जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।